हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सी देखिए, रिदा उठ गई है और रिदा उठने के बाद सबसे पहले वो हमारा जो अफर्मेशंस हैं वो प्रैक्टिस करती है। सुबह सुबह हम अफर्मेशंस बोलते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रही हूँ। आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कौन कौन से अफर्मेशंस बच्चों को बोलने चाहिए। और हम ये अफर्मेशन तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं जब रिदा 1 month की थी। Rida always cooperate with mama. Rida never troubles mama. Rida is emotionally, mentally and spiritually a very balanced soul. Mama and papa are so proud of Rida. Mama and papa loves Rida a lot. Today is gonna be a good day. चलो तो अभी ब्रशिंग का टाइम हो गया है और मैं अपना और रिदा का ब्रश में टूथपेस्ट लगा के इसको दे रही हूँ। देखिए कैसे किची किची करके अपना ब्रश करती है, बिल्कुल मुझे कॉपी कर रही है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। ये हमारा सुबह का रूटीन है, पहले उठ के इसको वॉशरूम करवाती हूँ, मैं इसको डाइपर्स नहीं पहनाती हूँ। और उसके बाद ये खुद से देखिए जाके बुक उठा कर लाई है, और इसे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे पास इसके बुक्स के बहुत बड़े कलेक्शन है, और बुक्स को देखती है, पढ़ती है और क्वेश्चंस करती है। सो अब मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ। मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम से थायराइड है, लेकिन बीच में कम हो गया था, अभी फिर बढ़ गया है। इसके बाद मेरा रूटीन रहता है कि इसकी जितने भी बुक्स एंड टॉयज़ हैं सबको अच्छे से अरेंज कर दूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सो दैट ये दिन भर खेल सके। ये मैंने देखी करवा चौथ की मेहंदी लगाई थी अपनी सामने वाली नेबर को। अब हम जा रहे हैं रिदा का शूट करने के लिए। ब्रांड ने इसको ये ड्रेस भेजी थी, उसका हमें रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए। सो हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे और हम जा रहे हैं शूट करने के लिए। ये देखिए, ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पे हम शूट करेंगे। जनरली हम यहीं पे शूट करते हैं, मेरी फ्लैट के नीचे ही है। तो देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छा शॉट लेने के लिए। अभी तो सुबह का टाइम है तो रिदा थोड़ी सी कम एक्टिव है और वो आराम से दे दे रही है पोजेस। अब शूट करने के बाद हम आए इसको बाहर डॉगी काओ दिखाने के लिए, और इसको बहुत मज़ा आता है। सामने इसको दीदी भी दिख गई, वो देखो कैसे देख रही है। सुबह सुबह हम लोग ऐसे बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करते हैं अच्छी फ्रेश एयर लेने के लिए, और मूड अच्छा हो जाता है, और मिल्क लेकर आते हैं। ये मैंने फ्रेश वेजीज मंगाए थे, अब मैं इसको रिदा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, रिदा और मेरे दोनों के लिए। तो मैं इनको कट करके ओट्स बनाने का सोच रही हूँ आज। मैं ओट्स को रोस्ट कर लेती हूँ और साथ में कुछ वेजीज इसके लिए स्टीम करके सॉटे कर दूँ। जनरली मैं दो ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ, सो दैट अगर इसको एक पसंद आए तो दूसरा खा सके। ये मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग से डालती हूँ, सीड्स और एक पाउडर है करी लीव्स का, वो थोड़ा और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। मेरे निकलने का टाइम हो रहा है, देखते हैं रिदा खेल रही है और मेरी मेड भी आ चुकी है। मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ मैं। सो आज करवा चौथ है और रिदा की केयरटेकर ने मुझे छुट्टी मांगी थी। छुट्टी तो मैं नहीं दे पाई, मगर फिर उसने कहा कि दीदी मुझे 4 बजे जाने देना। मैंने कहा ठीक है, इसको टाइम से सुला देना, 4 बजे उठ जाएगी, तो मुझे ऑफिस में इसको देकर चले जाना, आई विल मैनेज। तो आज हमारा प्लान है कि उसको जल्दी सुला दिया जाएगा खिला पिला के, मगर एज़ यूजुअल वो तो शैतानियाँ करती है। देखिए केयरटेकर ने, ये CCTV की रिकॉर्डिंग मैंने इसमें इंक्लूड की है, केयरटेकर ने इसको 1:15 बजे सुलाने की कोशिश की लाइट वगैरह बंद करके, मगर रिदा ने उठ के डायरेक्ट लाइट ऑन कर दी और उसका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं लग रहा है। आगे उसको हमने सुला दिया था लास्टली 2:30 बजे, और 4:30 बजे फिर मैं ऑफिस से आई, क्योंकि रिदा तो उठी नहीं थी। 4:30 बजे मैं ऑफिस से आई ताकि मैं रिदा को लेके जा सकूँ अपने साथ ऑफिस उठा के, मगर फिर सामने वाली ज्योति दीदी ने बोला कि आप इसको यहीं सुला जाओ, मैं देखती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने CCTV का व्यू वगैरह चेक किया और देखा कि रिदा दिख रही है कि नहीं, सो दैट मैं CCTV में उसको ऑफिस से देखती रहूँ। और फिर मैं चली गई, बच्चे वगैरह सब उसका ध्यान रख रहे थे,
कोई टेंशन की बात नहीं थी। मैं ऑफिस में आराम से काम कर रही थी और बीच बीच में ज्योति दीदी आके उसको देख रही थी कि वो ठीक है नहीं, और हम भी कैमरे में देख रहे थे, मेरी मॉम भी कैमरे में देख रही थी, सबने वाईफाई से कैमरे को कनेक्ट कर रखा है। बीच में रिदा उठ गई तो फिर मैंने ज्योति दीदी को कॉल करके बता दिया, वो आकर के रिदा को अपने साथ ले गई। मैं ऑफिस से 6:45 के करीब आ गई थी। मैंने सोचा बच्चों को बढ़िया सब पॉपकॉर्न बना के दिया जाए, मैंने 2 पॉपकॉर्न बनाए और देखिए कितने मस्त बन गए हैं, देखते हैं बच्चों को पसंद आते हैं नहीं। ये सब बच्चे आ गए टूट गए पॉपकॉर्न पे, वाओ इनकी तो मौज हो गई। उसके बाद मैंने फटाफट से डिनर की तैयारी करके डिनर बना लिया। तब तक वो ये रिदा बच्चों के साथ खेल रही थी और इसने बच्चों के साथ खेल के देखे रूम का क्या हाल कर दिया। ये तो इस मैट को भी नहीं छोड़ती है, मैट को हाउस बना लेती है, सारे टॉयज़ उसके अंदर घुसा लेगी और सारी दीदियों को उसके अंदर घुसा लेगी, पूरी पूरी गैंग लेगी चलती है, इतने मज़े करती है। मगर फिर रूम का जो हाल होता है ना मेरे। सो आज की वीलॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। होप यू गाइज लाइक माई वीलॉग, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वन।